नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल में 12,199 पदों पर वैकेंसी आया था। इसका ऑनलाइन आवेदन 2023 में ही लिया गया था। दोस्तों, अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसका एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी अभी बीएसएससी आयोग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लगातार यहाँ पे नोटिस जारी कर रही है और बीएसएससी आयोग इस वैकेंसी को पंचवर्षीय योजना में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले नोटिस देखते हैं कि क्या मेंशन किया गया है। दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ज्ञापांक संख्या देख सकते हैं और यहाँ पे पटना दिनांक 28/5/2024 डेट में नोटिस पे साइन हुआ है और ये नोटिस 29 तारीख को पब्लिश हुआ है। इन्होंने देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया है कि 10/5/2024 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो अभ्यर्थी बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल में फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर अपना फॉर्म करेक्शन नहीं किए हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, तो आप 27/5/2024 तक आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि इस डेट को और एक्सटेंड किया गया है और डेट बढ़ा करके देख सकते हैं 11/6/2024 कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बीएसएससी इंटर लेवल के ऑफिशियल वेबसाइट पर दो लिंक उपलब्ध है। पहला लिंक है जिसमें बताया गया है कि 27,935 ऐसे कैंडिडेट हैं जो परीक्षा शुल्क तो जमा किए हैं पर अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं किए गए हैं, उनको द्वारा मौका दिया गया है कि आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वही दोस्तों, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है तो उनको साथ साथ में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। और दूसरी जो लिंक चल रही है, जो अभी फरवरी से कंटिन्यू यहाँ पे चल रही है, इसमें बताया गया है कि जो अभ्यर्थी के फॉर्म भरने में कोई गलती हुई है या त्रुटि हुई है तो आप सुधार कर सकते हैं, साथ साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे लगातार बीएसएससी आयोग नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है और ये जो वैकेंसी है पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएससी लगातार देख सकते हैं यहाँ पे फरवरी से लगातार नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है। अभ्यर्थी सोच रहे थे कि जल्द ही एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा, पर दोस्तों ऐसे नोटिस जारी किए जाते हैं जिससे सुन अभ्यर्थी हैरान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैरान होने वाला ही बात यहाँ पे देख सकते हैं, 2-3 महीने से कंटिन्यू इसके रिगार्डिंग नोटिस जारी किए जा रहे हैं और लगातार उसी के संबंध में यहाँ पे नोटिस जारी किए गए हैं। फिर भी दोस्तों, अभी भी चांस है कि एक बार और यहाँ पे फॉर्म एडिट करने के और यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के लिए डेट इंक्रीज किया जाएगा। अभी 27,935 कैंडिडेट अभी फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, जब तक ये सारे लोग को सबमिट नहीं करवा लेंगे, जब तक ये लगातार नोटिस पे नोटिस जारी करते रहेंगे। तो दोस्तों, जिस हिसाब से यहाँ पे बीएसएससी आयोग लगातार यहाँ पे नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है और ऑनलाइन आवेदन और करेक्शन डेट लगातार एक्सटेंड कर रही है, जिसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम जल्द नहीं होने वाला है। जो अभ्यर्थी सोच रहे थे कि चुनाव के जस्ट बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। अभी तो यहाँ पर देख सकते हैं 11 जून तक यहाँ पर फॉर्म करेक्शन और फाइनल सबमिशन का काम चलेगा। उसके बाद में हो सकता है कि और 15 दिन के लिए और डेट एक्सटेंड कर दें, इनको कोई माए बाप नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम अभी तो तुरंत संभव नहीं है। जून जुलाई में तो खास करके आपको एग्ज़ाम किसी भी हालात में नहीं होंगे। आपका एग्ज़ाम होगा तो अगस्त के बाद हो सकता है, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, उससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। फिर भी दोस्तों, आप लोग तैयारी में जुट जाएँ, अच्छी खासी सीट है, कंपटीशन लेवल हाई है, यहाँ पर लगभग 30 लाख के आसपास में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, आज न कल तो पेपर होगा, पेपर ज़रूर होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो कभी भी एग्जाम होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो ये अपडेट है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।